हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस टू मिनट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्लोबल स्टॉक टेक और जीएसटी के बारे में बात करेंगे अगर हम ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें तो ये पेरिस क्लाइमेट डील के तहत एक क्लॉज है ग्लोबल स्टॉक टेक क्या कहता है कि हर पाँच साल में रिव्यू होगा कि जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शंस ले रही हैं क्या वो सफिशेंट है और उनका क्या इम्पैक्ट है राइट right? पहला जो ग्लोबल स्टॉक टेक है वो ट्वेंटी के लिए स्केड्यूल्ड है एक तो आप इम्पैक्ट देखोगे कि कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज एक्शन्स ले रही हैं उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्या और एक्शंस uh, लेने की ज़रूरत है या उनको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है एक तो ये चीज़ देखी जाएगी ग्लोबल स्टॉक टेक में दूसरी चीज़ ये है कि जो एन हैं जो सेकेंड राउंड है जो ट्वेंटी में ड्यू है उनमें क्या चेंजेस लाने हैं वो भी हमें ग्लोबल स्टॉक टेक के तहत पता चलेगा राइट right? सो so, जो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट right, तो ये असेस करेगा कि जो क्लाइमेट एक्शंस हैं क्या उनका नेट रिजल्ट आ रहा है ठीक है जो ये क्लाइमेट एक्शंस है क्या ये सफिशिएंट है कि हम जो टेम्परेचर राइज है उसको रोक दे टू डिग्री सेल्सियस पे बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी दैट इज़ बाय 2100 क्या वो सफिशिएंट है क्या इसमें और चेंजेस चाहिए क्या हमें और करने की ज़रूरत है और कितना और करने की ज़रूरत है वो हमें सब ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद पता चलेगा राइट right? उसके बाद देखो एवरी कंट्री हैज़ टू पार्टिसिपेट बट हर एक कंट्री को अपने इंडिविजुअल एक्शंस का इंपैक्ट नहीं बताना होता है इट इज मोर ऑफ अ कलेक्टिव एक्सरसाइज कि आप सारे दुनिया की जिन भी कंट्री ने कंट्रीज ने पैरिस क्लाइमेट डील में पार्ट लिया है उन सब का जो इंपैक्ट है आप कलेक्टिव देखते हो क्या वो कलेक्टिव इंपैक्ट इनफ है टू यू नो लिमिट द temperature rise टू डि टू डिग्री सेल्सियस बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी और नॉट ठीक है सो ये है तो बेसिकली वो यही कहते हैं कि कंट्रीज़ आप कंट्रीज़ को individual बताने से अच्छा आप पूरी दुनिया को बताओ और उसके बाद आप ये इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आपने किया कि आपने नहीं किया ठीक है या आपको इतना करना चाहिए आप सिंपली ये बताओ कि पूरी दुनिया को कितना करना है कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है या कम करना है उनके एमिशंस को आप वो बताओ ठीक है सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ़ ग्लोबल स्टॉक टेक राइट उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिमांड्स हैं कि आप इम्पैक्ट बताओ ना सिर्फ उन एक्शंस का जिनसे कि रिड्यूस हुई हैं ग्रीन हाउस गैसेस बल्कि उन एक्शंस का भी जो हेल्प कर रहे हैं हमें टू अडाप्ट टू दी क्लाइमेट चेंज ठीक है सो इनका भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिमांड थी उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ ये भी कहती हैं कि ये भी असेस होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या उन्हें सफिशेंट मनी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं एज मेटेड बाई द पैरिस एग्रीमेंट तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो हम ग्लोबल स्टॉक टेक में देखेंगे जो कि पहला ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए स्केड्यूल्ड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर बार जब भी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है यू एफ सी 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 तो आ, ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ऐसी टर्म्स आती हैं न्यूज़ में एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली ठीक है तो हमने कोशिश की है कि आप हम आपको सिंप्लीफाई करके बताएं अगर सिंस यू स्टिल यू आर फेसिंग सम इश्यूज यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट राइट सो थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में